गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। सो अप टू 5th क्वेश्चन वी हैव डन, नाउ विल स्टार्ट 6th क्वेश्चन। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। हमें पता है वोवल्स कितने होते हैं, हाउ मेनी वोवल्स, वोवल्स आर 5 एंड कॉन्सोनेंट्स बाकी सारे बच जाते हैं ना, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 21। How many words with the two different vowels and two different consonants can be formed from the alphabet? अभी वो कह रहा है कि how many words with two different vowels and two different consonants? अब देखो बात आती है यहां पे कि permutation लगे या combination लगे। पहली बात उसने कहा है कि 4-digit word बनाना है ना, ये देखो जैसे मैं यहां पे बना दू 1, 2, 3, 4, ये 4 है। अगर आपके पास ये फोर ही लेटर्स हैं और 4 लेटर्स यूज करके आपने वर्ड बनाना है तो आप क्या बनाओगे, परमुटेशन लगेगी ना, तो क्या कर देंगे हम 4 factorial, यही आएगा। अब उससे पहले, लेकिन उससे पहले ये है कि आपने सिलेक्ट करने हैं वोवल्स कितने हैं 2, वो कह रहा है 2 वोवल्स लो। तो अब यहां पर सिलेक्शन की बात आती है, वहां पर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। अब सिलेक्शन करनी कैसे है, हमारे पास वोवल्स कितने हैं 5, सी 2, कितने सिलेक्ट करने हैं 2 है ना। अब इन 2 ये कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 21, सी 2। अब मैंने ये बात आपको पहले बताई है मल्टीप्लाई क्यों किया है ना, मल्टीप्लीकेशन रूल क्यों लगा, तो यहाँ पे एक तरह से अधूरा था ना 5C2 है ना, 5C2 क्योंकि 2 अक्षर चुन रहा हूं और हमें क्या बनाने हैं 4 लेटर्स चुनने हैं, तो 2 यहां पे चुनोगे तो ये 2 यहां पे आ गया 21C2। उसके बाद ये 4 लेटर्स चूज कर लिए, 4 लेटर्स हमने चूज कर लिए, अल्फाबेट चूज कर लिए। अब उन चारों को यहाँ पे ऐसे 1, 2, 3, 4 4 लेटर्स हैं, 4 ही लेटर्स का वर्ड बनाने हैं, कितने वर्ड्स बनेंगे तो वो क्या हो जाएगा 4 factorial, तो इनटू क्या कर देंगे 4 factorial, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा, ये आपको पता चल गया ना, पहले क्या लगा कॉम्बिनेशन लगाया हमने पहले, उसके बाद साथ में क्या आ गया परमुटेशन भी आ गया, तो दोनों यूज हुए है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 5 factorial अपॉन 5 - 2, 3 factorial, 2 factorial इंटू 21 factorial अपॉन 21 - 2, 19 factorial, 2 factorial इंटू 4 factorial। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ये क्या आ जाएगा 5 into 4 into 3 factorial अपॉन 3 factorial इंटू 2 into 1 इंटू 21 into 20 इंटू 19 factorial अपॉन 19 factorial इंटू 2 factorial इंटू 4 into 3 into 2 है ना, इंटू 1 भी लगा दो, 19 factorial के साथ 19 कैंसिल हो गया, 3 factorial के साथ 3 कैंसिल हो गया है ना, ये 2 था, ये 2 तो 2 ही रहेगा ना, 2 के साथ ये 2 कैंसिल कर दो। अब इन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आप देखो 5 4 20 20 20 400 400 into 21 400 की 2 4 4 4 2 8 ये आ गया, इंटू 4 3 12, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा हमारा 12 0 12 0 12 4 48 है, 4 12 8 96 +400, तो ये आंसर आना चाहिए इसका ना। अब देखो चेक करो आप आंसर है ना, तो देखो कोई मिस्टेक तो नहीं, तो ये था हमारे पास 6th क्वेश्चन है ना। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, हम आंसर चेक कर लेते हैं भैया, 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज है, 6th क्वेश्चन। अच्छा अच्छा ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा था, देखो ध्यान से, एक यहाँ पे ये 2 बच गया ना हमारे पास, ये 2 तो हमने लगाया ही नहीं, ये 2 लगाओ यहाँ पे ना, तो 8400 अकाउंट में क्या लगा दो भाई 2, तो 2 6 आ जाएगा ये। अब मल्टीप्लाई करो 6000 6 4 24 2 50 4 100 आना चाहिए है ना, तो हाँ यही आंसर है आपका 50 400। तो अब देखो 7th क्वेश्चन करते हैं हम, 7th क्वेश्चन क्या करेंगे, यही पे कर देता हूं मैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए, रीड आप तब तक रीड करो, मैं इरेज कर रहा हूं। 7th क्वेश्चन देखो, अब यहां पे 7th क्वेश्चन क्या है, देखो 7th देखो, कह रहा कि इन एन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन का बना हुआ है क्वेश्चन पेपर, डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देखो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है ना, पार्ट 2। अब देखो 12 क्वेश्चन है ना,
12 क्वेश्चन है टोटल, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट वन एंड पार्ट टू कंटेनिंग 5 और 7 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। 5 क्वेश्चन तो इसमें है टोटल, 5 इसमें है, 7 इसमें है, पार्ट टू में है ना, टोटल 12 क्वेश्चन हो गए। अब देखो, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। अब स्टूडेंट ने 8 क्वेश्चन करने हैं, सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन। देखो अब यहां पे क्या आ गया, पार्ट वन है 5 क्वेश्चन का, पार्ट टू है 7 क्वेश्चन का। अब हमने क्या करने हैं, क्वेश्चन उसने करने हैं अटेम्प्ट, टोटल 12 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन करने हैं ना, आई थिंक 8 ही थे, देख लें एक बार। स्टूडेंट हैज रिक्वायर्ड 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन करने हैं, और करने ऐसे हैं कि कम से कम एक पार्ट में से 3 क्वेश्चन तो जरूर करने हैं। कम से कम का मतलब एटलीस्ट 3 का मतलब कम से कम 3, ज्यादा भी कर सकता है उसमें से है ना, लेकिन 2 नहीं कर सकता, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है एक में से, और टोटल कितने होने चाहिए 8 क्वेश्चंस। तो अब देखो क्या करेगा, मान लो क्या क्या ऑप्शन हो सकती है, देखो अगर वो पार्ट वन में से, देखो पहले तो क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं ना, यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला लगेगा किसका, कॉम्बिनेशन का, क्योंकि उसने कहा सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करनी है तो क्या लगेगा हमारे पास, पहले सिलेक्शन करेगा, सिलेक्शन कैसे करेगा, सिलेक्शन है तो कॉम्बिनेशन है ना, पहले इसमें से देखो 5 क्वेश्चन है, मान लो वो 5C3 इसमें से 3 क्वेश्चन चुन लेता, कम से कम 3 तो करेगी, 3 इसमें से किए इनटू इसमें से, देखो फिर वही बात आ गई ना, अधूरा है अभी, मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि कहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगना है, मैंने वो बताया था ना, ए से बी, बी से सी जाता है बंदा है ना, वो सारा क्या है वो रूल मैंने इंट्रोडक्शन में बताए थे आपको बिल्कुल, कि ए से बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है, कहां पे मल्टीप्लीकेशन करनी है, यहां पे एडिशन करनी है, और एडिशन का मैंने फिर बता रहा हूं यहां पे क्या आता है, और वहां पे क्या करते हैं हम एड, और कहीं पे जब आता है एंड तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन। अब उसने 8 क्वेश्चन करने हैं, 3 इसमें से एंड, एंड करेगा ना, एंड सेकंड पार्ट में से कितने करेगा 5, अगर यहां पे 3 कर रहा था यहां पे 5, 5 ये है कितने थे पार्ट 2 में 7, 7 सी 5 तभी 8 बनेंगे, ये हो गया, एक सेट पूरा होगा, मतलब या तो ऐसे कर सकता है या और, अब और आ गया, या तो ऐसे या हो सकता है, आपको कहोगे सर हो सकता है उसने कम से कम 3 करने थे, हो सकता है इसमें से 4 करे, एक तो देखो एक ये वेज हो गया ना, या तो इतने वेज हो गए, इतने वेज हो गए, या और ये भी तो कर सकता है, वो भी तो एक अलग से वे हो गया, अगर इसमें से क्या करता है 4, अगर पार्ट 1 में से 4 करता है 5C4 इंटू तो इसमें से कितने करेगा 7C4 प्लस, या ऐसा भी कर सकता है वो पहले में से क्या ले ले 5 के 5 ले ले 5C5 तो दूसरे में से कितने रह जाएंगे 7C3 क्योंकि 8 बनने हैं। अब इसमें से 6 तो ले ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन ही 5 है, फिर 2 भी नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि उसने कह दिया है कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो करने ही है एक बार में से, तो ये या ये और ये और ये, या ये या ये, जब जा आ गया तो क्या कर दोगे ऐड कर दोगे ना, और यहां पर मल्टीप्लीकेशन क्यों आया, क्योंकि एंड है, यहां पर इनकम्प्लीट है, अभी 8 क्वेश्चन करने थे, 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, जब ऐसा भी होता है तब भी आप ये याद कर लिया करो कि यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लीकेशन। तो अब इसको आप सॉल्व कर देंगे ना, हाउ यू कैन सॉल्व इट, ये देखो थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, बाकी आप अपने आप सॉल्व कर लोगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल है ना, तो यहाँ पे क्या देगा 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल है ना प्लस 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल ये वैसे भी तो एनसीएन मैंने बताया हुआ आपको, सीधा आपने क्या लिखना है 1 लिख देना है ना, चलो कोई नहीं मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको खोल के आप सोल्व कर लो, खुद करो सोल्व है ना, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ और सोल्व, तो आप ये देखो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन इंटू 3 फैक्टोरियल ना, तो ये क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 2 को हटाए दो 2 इंटू 1 ही आना प्लस इंटू ये क्या आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब ऐसे ही बेटा आप सॉल्व कर लो इसको, नो प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व इट, इसको ऐसे ही सॉल्व करना आपने, सिंपल सॉल्व करना आपको आता तो यू विल गेट आंसर। सो नोट डाउन द क्वेश्चन, राइट योरसेल्फ नाउ।
नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन ना, डिटरमाइन द नंबर ऑफ फाइव कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ फाइव कार्ड्स हैव एग्जैक्टली वन किंग। अब ये कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ फाइव कार्ड कॉम्बिनेशन। देखो पहली बात तो यहाँ पे खत्म होगी, कॉम्बिनेशन लगेगा या परमुटेशन लगेगा। उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही कह दिया कि क्या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ना, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब देखो कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स है। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 है ना। हमें क्या बनाने हैं, फाइव फाइव के कॉम्बिनेशन बनाने हैं ना। वो कह रहे हैं कितने बनेंगे, पांच पांच के। लेकिन हरेक में क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, किंग क्या होना चाहिए, वन किंग है ना। अब किंग तो देखो एक किंग तो रखने ही है, एक किंग रखना पड़ेगा। वो किंग कौन सा होगा वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा है ना। बात तो किसकी आ गई, सिलेक्शन की। एक किंग रखना है ना, किंग है कितने, फोर किंग होते हैं हमें पता है। तो फोर में से कितना लेना हमें, वन, फोर सी वन इन टू है ना। अब अधूरा है देखो क्वेश्चन कैसे, कि फोर सी वन ही लिया ना अभी, अभी हमने फाइव का कभी बनाया था, फोर हो रहा है। अब फोर में से तो एक रख लिया हमने कभी, उसमें से किसमें से, किंग्स में से। तो बाकी कितने कार्ड्स बचे, 52 होते हैं सारे, 48 में से कितने लेने आप, फोर, क्योंकि वो एक इसमें से ले लिया किंग और चार उसमें से ले लिए। तो ये बन जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन 4c1 48c4। तो इसको आप सॉल्व कर दो, ये क्या आ जाएगा 4 factorial। जैसे इसको भी मैंने बताया हुआ आपको ना, क्या आ जाता है ये 4 4-1 3 factorial एंड 1 factorial। तो इसका क्या आ जाएगा, nc1 का भी क्या आता है, n ही आता है ना। चलो कोई नहीं, हमने सॉल्व कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 ही आना है तब भी वही आएगा। तो 48 upon 48 minus 4 कितना आ जाएगा, ये 44 factorial 4 factorial। ये तो सबको याद होगा ना, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n factorial n minus r factorial r factorial। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 4 into 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 into ये क्या आ जाएगा 48 factorial था ना यहाँ, 48 into 47 into 46 into 45 into 44 factorial upon 44 factorial into 4 into 3 into 2 into 1। तो ये 44 के साथ 44 कैंसिल हो गया ना। अब ये 4 के साथ ये 4 कैंसिल कर दो, तो अब क्या करोगे आप, 3 के साथ इसको कैंसिल कर दो 15 आ जाएगा, 2 के साथ इसको कैंसिल कर दो 23। अब मल्टीप्लाई आप खुद करोगे 48 into 47 into 23 into 15। इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो यहाँ पे है ना। तो आंसर चेक भी कर लेना जरूर। अब मैं नेक्स्ट सम करवा रहा हूँ मैं तो यहाँ पे है ना, ये आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से ना। तो अब देखो नाइन मल्टीप्लाई कर लो तब तक आप इसको देखो ना, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा। अब देखो नेक्स्ट, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women इन अ रो। मैन कितने हैं, 5, वुमेन कितनी है, 4 है ना। It is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? अब पहले ये देखो, आपको ना ये पता चलना चाहिए कि परमुटेशन का क्वेश्चन है या कम्बिनेशन का है। देखो हमारे पास 9 places है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही, 5 men है 4 women है, 5 है। देखो इनके ऊपर बिठाना है तो इसका मतलब क्या करना है, हमें अरेंज करना है इनको सबको है ना। तो अरेंजमेंट करनी है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, परमुटेशन लगेगी है ना, परमुटेशन लगेगी। अब परमुटेशन लगेगी उसमें एक कंडीशन उसने ये बता दी, जो वुमेन है वो कहां पे बैठनी चाहिए, इवन प्लेसेस पे। इवन प्लेसेस का मतलब ये है, देखो इवन प्लेसेस अगर मैं यहां से काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इवन प्लेसेस का मतलब या तो वुमेन यहाँ पे बैठ सकती है या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, इवन प्लेसेस ही ना, 2nd 4th 6th और 8th। यहाँ पे वुमेन बैठ सकती है, यहाँ पे वुमेन आ सकती है, यहाँ पे वुमेन, यहाँ पे वुमेन, यहाँ पे वुमेन। अब 4 वुमेन्स हैं और उनके लिए प्लेसेस कितनी है, 4 ही है। देखो जब 4 ही प्लेसेस है और 4 ही वुमेन्स है तो क्या होगा, 4 factorial होगा भैया। 4 वर्ड्स नंबर बनाना है यार, 4 वुमेन्स है अलग अलग है ना, तो वो मतलब ये आपस में जगह चेंज कर सकती हैं। तो 4 क्या आएगा, फैक्टोरियल, सारी वुमेन्स क्या है, अलग अलग है। अब पीछे क्या बचा, 1 2 3 4 5 आदमी, 5 men है, 5 men को फिक्स करना है यहाँ पे, तो वो कैसे करोगे, 5 ही सीट्स है और 5 ही मेन्स है, तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, 5 factorial इनको क्या आ जाएगा, 5 factorial। तो इसका क्या आ जाएगा, 4 factorial का आंसर क्या होता है, 24, 5 factorial क्या होता है, 120। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 12 4 48 4 12 2 24 plus 4
28 है। तो ये वेज आ गए इसके ना, ये था 9th क्वेश्चन और ये 10th अपने आप आंसर चेक कर लेना। सो नोट डाउन द क्वेश्चंस। नाउ 10th क्वेश्चन, ध्यान से समझो बेटा इसको 10th क्वेश्चन को। कहना फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन आकर्षण पार्टी, पार्टी होनी है ना, 10 बच्चे चुनने उसके लिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 25। दे आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट either all of them will join or none of them will join. In how many ways can Akarsan party be chosen? Akarsan party will be chosen. अब पार्टी के लिए जाना है मान लो ना, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25। अब तीन बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं, डिसाइड करते हैं, जैसे आपकी मेजोरिटी हो जाती है ना क्लास में कि भाई हमने ये काम करना है, करेंगे तो इकट्ठे करेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा मतलब कुछ आप जो करते हो कि यार हम कहते हैं ना यार टूर जाना है, अब तू जाएगा, आप ऐसा करते हो ना, अगर वो जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, वो नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा ना, ऐसा वो तो ये ऐसी है, वो कह रहे अगर जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा, उन तीनों में से तीन की बात है ना, तीन फ्रेंड्स हैं। अब देखो क्या वेज हो सकते हैं ना, पार्टी के लिए कितने जाने चाहिए 10 बंदे जाने चाहिए, 10 चूज करने हैं ना कजन पार्टी के लिए। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, मान लो ये तीनों चले जाते हैं, तीनों चले गए है ना, ये मानिए ना लेट 3 आर वेंट, 3 जाते हैं तो पीछे कितने रह गए 7 रह गए। अब वो कितने टोटल कितने रह गए पीछे, देखो तीन तो चले गए, अगर ये तीन पक्के ही हमें पता चल गया अभी चले जा रहे हैं पार्टी में, तो पीछे कितने चुनने हमने 7, वो 7 कितने में से चुनने हैं ये भी ध्यान रखना है, 25 में जो तीन इसी में से है तो पीछे कितने रह गए 22। अब 22 C 20 C 2 7 ये होगा है ना, या तो ये होगा, अब देखो यहां पे क्या गया, या तो ये होगा या फिर क्या होएगा, या फिर क्या होएगा, अगर ये तीनों तो चले गए है ना, अगर ये तीनों चले गए, ये तीनों तीन तो चले गए तो पीछे ये रह गए, या और क्या सकता है, ये कहेंगे भी तीनों में से कोई नहीं गया, अगर तीनों में से कोई नहीं गया है ना, तीनों में से कोई नहीं गया तो इसका मतलब बाकी कितने रह गए 22। अब उन 22 में से मैंने कितने ले लिया हमने 10, तो क्या आ जाएगा 22 C 10, ये आ जाएगा अब इसका आंसर, इसको सॉल्व कर लो आप, यू विल गेट द आंसर। एक बार वैसे आई थिंक मेरे ख्याल से पीछे आंसर यही है एनसीईआरटी में, फिर भी देख लेते हैं, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो ना, देख लेते हैं एक बार, यही आंसर तो मेरे हिसाब से ना, एक बार चेक भी कर लेते हैं, एक दो का आंसर ऐसे दिए हुआ पीछे, ये ठीक है 20 C 22 C 7 प्लस 22 C 10 है ना, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, दो ही केस हो सकते हैं ना, या तो ये तीनों चले जाएंगे, मान लो ये तीनों के तीन फ्रेंड चले गए तो बाकी कितने रह गए पीछे 7, और वो 7 कितने में से सिलेक्ट करने हैं 22 में से, और अगर ये मान लो तीनों नहीं जाते तो पीछे कितने, अब कितने लेके आने हैं 10 तो जानी चाहिए, तो वो 10 कितने में से 3 यहां से निकाल दो तो कितने रह गए वो 25 में से 2 निकाल दिए, 3 निकाल दिए तो कितने रह गए 22 C 10 है ये है ना। अब देखो हम करते हैं नेक्स्ट सम 11 सम करना ना, नोट कर लो इसको। अब 11 सम है ना, 11th में क्या करेंगे हम, 11th सम देखो 11 का, इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन A double S A double S I N A T I O N असैसिनेशन, पहले तो टोटल वर्ड टोटल लेटर्स के नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, 13 है टोटल। अब A देखो कितनी बार है, पहले तो A 1 2 3 थ्री टाइम्स है A है ना, A थ्री टाइम्स है, A इक्वल टू 3 नहीं है, A इज 3 टाइम्स है ना। अब S 2 2 4 4 है, एस कितनी बार है 4 टाइम्स है ना, उसके बाद ये भी हो गया आई कितनी बार है जी 1 2 आई कितनी बार हो गया 2 टाइम्स है ना, उसके बाद एन भी 2 टाइम्स है, एन भी 2 टाइम्स हो गया। अब टी एक बार है 1 टाइम एंड ओ इज 1 टाइम 1 2 2 4 2 6 4 10 प्लस 3 13 13 हो गया। अब देखो करना क्या है, बी अरेंज्ड, देखो अरेंजमेंट आ गई तो क्या करोगे आप, परमुटेशन करोगे, कोई दो राय नहीं है ना, बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टूगेदर, ऑल द एस आर
टूगेदर, सारे एस क्या होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। अब देखो अरेन्जमेंट करनी है हमने, है ना। तो देखो हमारे पास 13 है ना, अगर आप ऐसा करोगे देखो 13 के 13 ले लेंगे ना, अगर हम ये कर देते 13 फैक्टोरियल तो उसमें तो सारे आ जाएंगे ना, सारे इकट्ठे आए चाहे ना आए, उसके बाद नीचे डिवाइड करोगे आप जो भी करोगे, है ना। लेकिन एक मैं इसका ऐसा कर सकता हूं, मेरे पास मैंने इनको देखो 4s है, इनको एक ही वर्ड मान लिया मैंने, क्या मान लिया, एक लेटर मान लिया। उसने बोला था ना ये इकट्ठे आने चाहिए। अब देखो ये है ना बॉक्स है, मान लो 1 यहां पे मैं ऐसे बना दू, है ना, 1 2 3 4 5 यहां से मिटा दूंगा था, 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 13 एक और लगा दो यहाँ पे 13। अब वो कह रहा है कि ये एस है, देखो यहाँ पे 13 है तो हम क्या कर देते 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहे थे वो नीचे कर देते हैं हम, है ना। लेकिन अब उसने क्या कहा है कि एस का एस क्या आना चाहिए, 4 इकट्ठे आने चाहिए। अब देखो अगर हम यहाँ पे एस लिख देते हैं एस एस एस, तो इनको सिर्फ एक वर्ड मान लो क्योंकि ये इकट्ठे आने हैं, तो इनको एक लेटर मान लो, इनको हम क्या मान लेंगे, सिर्फ एक ही लेटर 4 के 4s है ना, ऐसे कि यहां पे भी मैं लिखूंगा ये इकट्ठे लिखूंगा ऐसे उठा के, ये 4s एक डब्बे में डाल लिया, ये पहली प्लेस पे आ जाएगा, दूसरी पे या तीसरी पे या चौथी पे या पांचवी पे छठी पे या सातवीं पे ऐसे, तो एक ही मान लो इसको। जब इनको एक मान लिया हमने तो ये कितने बच गए पीछे 3, इसको 1 काउंट करो 1 3 1 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8, और उसके बाद क्या लिखा था हमने टी 9 और ओ 1 10, तो 10 बचे ना, देखो टोटल 13 थे, 13 में से ही 4 को 1 मान लिया, 13 में से ही 4 निकाल दो तो कितने रह गए 9, 9 और 1 ये इन चारों को 1 काउंट करोगे तो कितने हो गए 10। तो अब इसका क्या होता है, 10 ही लेटर्स है, 10 ही स्पेसेस है ना हमारे पास, क्यों, क्योंकि इसको एक स्पेस मान रहा हूं मैं, इसको क्या मान रहे हैं, एक स्पेस मान रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं हमें पता है ना, जो रिपीट होते हैं उसको कम करने के लिए वो मैंने एग्जांपल भी दी थी आपको, रूट वाली है ना, आर ओ टी या आर ओ 1 ओ 2 टी वाला, ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, ये थ्योरम है ना कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा होता है तो यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, एस वाला तो एक ही मान रहे हैं हमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद ए रिपीट हो रहा है कितनी बार, 3 times, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 factorial। उसके बाद आई 2 बार हो रहा था तो 2 factorial, उसके बाद एन 2 बार हो रहा था तो एन 2 factorial, है ना, तो ये आ जाएगा। अब यहां पे इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो, क्योंकि एस, अब ये तो नहीं मान रहा कोई यार कि एस है कि 4 factorial क्यों नहीं किया, ओ यार इसीलिए बेटा ये इसीलिए नहीं किया क्योंकि तो एक जैसी है, हमें कौन सा पता लगने वाला है कि ये एस कौन सा है। हाँ अगर यहां पे वो वोवल की बात करता, ए ई आई ओ यू, एक क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था कि ये इकट्ठे आने चाहिए, अगर ये होता है ना ये इकट्ठे आने चाहिए तो फिर हम यहां पे क्या कर देते 5 factorial, मान लो 4 ओवर्स होते तो क्या करते 4 factorial के साथ क्या कर देते मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अब ऐसा वहां पे है नहीं है तो क्या करेंगे, एस 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 सेम है तो सेम के लिए तो करने की जरूरत नहीं है, है ना। अगर ये ए ई आई ओ यू होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 factorial, क्योंकि ये आपस में भी जगह चेंज कर सकते थे अगर अलग अलग होते, है ना, तो इसलिए ये करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास, वट इज देयर 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 factorial, 3 factorial तो है नीचे, 3 factorial × 2 × 2, तो 3 factorial क्या 3 कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4 कैंसिल हो गया। अब इनको क्या कर लो आप, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कैसे करोगे भाई, ऐसा करो 5 × 6 = 30, 30 × 10 = 300 इंटू 5 × 6 = 30, 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 49 + 150, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 2 zeros, है ना, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, ये आंसर आना चाहिए इसका ना। एक बार चेक कर लेते हैं हम आंसर, फिर देखते हैं आंसर चेक कर लो, आई थिंक ये आंसर तो इसका हाँ 15 1 2 0। तो ये थी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, बहुत आसान थी, होप आपको ये सारी समझ आई होगी, है ना। तो आपको अगर कहीं पे फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताओ, है ना, कहीं पे आपको प्रॉब्लम है तो आई विल टेल यू देयर, है ना, कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि आपको कैसा लगा, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।